इस आरडीआर की स्टोरी जो है बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ इसकी स्टोरी वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 1899 में। आरडीआर के ट्रेलर पहले अमेरिका अब न्यू एज में इन्वॉल्व हो रहा है और आउटलॉज को सीरियस इशू मानते हुए लॉ एजेंसी और बिग आउटलॉ गैंग को पकड़ लेती है। और अब वाइल्ड वेस्ट में बहुत ज्यादा गिनी चुनी गैंग सी बची है। एजेंसी में पिंकरटन डिटेक्टिव डच के पीछे है एंड डच की जो लास्ट हाइस है ब्लैक वाटर में फेल हो जाती है। ब्लैक वाटर से ईस्ट की ओर जाते हुए जो डच है उसे हुआ आर्थर राइवल मिलता है उसका कॉमोडोर डिस्कर, और उसकी गैंग से लड़ते हुए यहाँ डच हाउस ओनर यहाँ की हाउस ओनर सीडी एडलर को गैंग के साथ सेफ रखता है। और डच को पता लगता है कि आउटलास्ट के दिन अब ख़त्म होने वाले हैं, इसलिए इतनी बड़ी हाइस्ट की जाए कि इतना पैसा कमा लिया जाए इस हाइट से कि सब भाग पाए यहाँ से, पैराडाइज आइलैंड पे जा पाए, तहीती आइलैंड पे आराम से मैंगो खेती करे और आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सके। डच यहाँ आउटलास्ट के प्लान को एक्सपेक्ट करता है और एक बड़े ऑयल डीलर कॉजवेल की ट्रेन को लूटने का प्लान बनाता है और उस प्लान में उनका साथ भी देता है। और ईस्ट की ओर एक टाउन में पहुंचते हुआ डच को अपने रिमेनिंग मेंबर्स जैसे आर्थर, जॉन, चार्ल्स, लेनी, माइका, बेल हो एवलर और थिंकिंग साइड पर है होशिया, ठीक है, हर्ष श्राउड एंड जॉब्स के लिए अंकल एंड रेवलेंट, इन्फोलाइट के लिए हमारे जोशिया एंड जैक मोर्टन जॉन का बेटा। सेडी एडलर आगे जाके आउटला गैंग में शामिल हो जाएंगी और एक अच्छी आउटला बनेगी। और यहाँ अपने न्यू गैंग को सेटअप करते हुए आर्थर यहाँ हर्ष राउंड के पैसे वापस लाने के लिए आर्थर डाउन से मिलता है, जो डाउन अपने आप को बताता है कि वो बीमार है और आर्थर के मुंह पे गलती से थूक भी देता है। और फिर बाद में आर्थर को इसके आगे परेशानी में आएगी, वो स्टोरी में आगे हम बात करेंगे। और यहाँ के आगे स्टोरी में आपको अगले पार्ट में सुनाऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।